जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं वो कैसे देखते हैं, किसका दबदबा है इस बार उत्तर प्रदेश उपचुनाव में? दबदबा तो इंडिया गठबंधन का जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का दबदबा था, दबदबा रहेगा, दबदबा बना रहेगा। और आठ सपा पाएगी, एक भाजपा जीती। मिल्कीपुर का डर सता रहा है कि ऐसा प्रसाद अयोध्या वासियों ने मोदी जी योगी जी को दे दिए अवधेश प्रसाद के नाम के रूप में कि वो उनको हजम नहीं हो पा रहा है। अगर अनुप्रिया पटेल को इन्होंने गठबंधन में नहीं सीट दी तो भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गठबंधन जीतेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, चुनाव आयोग ने 9 सीटों पे ऐलान कर दिया है और मिल्कीपुर सीट पे अभी रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं वो कैसे देखते हैं, किसका दबदबा है इस बार उत्तर प्रदेश उपचुनाव में? दबदबा तो इंडिया गठबंधन का जाहिर सी बात है। मिल्कीपुर का डर सता रहा है या वो कोर्ट का बहाना है ये तो शायद बाद में पता चलेगा क्या खेला है। बाकी ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को और योगी को मिल्कीपुर सीट का डर सता रहा है और इसी वजह से वहाँ अभी 9 राज्यों में 9 सीटों पर चुनाव है। बाकी हालांकि 2 राज्यों में और चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र। देखते हैं नतीजे, आप देख लीजिएगा कि नफरत जो जितनी है ज़्यादा फैलाएंगे धीरे धीरे। वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा है और दूसरी ओर हम बात करें कि दावा कर रहे हैं कि इस बार 9 की 9 सीट हम निकालेंगे और मिल्कीपुर पे जब चुनाव होगा तो वो भी हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दावा है। लॉ एंड ऑर्डर तो है कि अभी लखनऊ की जेल में एक हत्या हो गई तो ये लाइन आर्डर तो चल ही रहा है, वो बहराइच में हो गया। देखिए दबदबा की जहाँ तक बात है, जिसका दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। जिसका लोकसभा में दबदबा बना रहा उसी का विधानसभा उपचुनाव में भी बना रहेगा। 240 बात है, बात है ना, 9 साल की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। झूठ प्रयास कर रहे हैं आप। और उत्तर प्रदेश बात कर, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का दबदबा था, दबदबा रहेगा, दबदबा बना रहेगा। और जहाँ तक बात है कि बीजेपी 9 सीटों पर कह रही जीत रहे हैं, बीजेपी तो अभी लोकसभा में 400 सीटें प्लस जीत रही थी। क्या हुआ बीजेपी का, वही हाल उपचुनाव में भी होगा। अब मिल्कीपुर की जहाँ तक बात है कि ऐसा प्रसाद अयोध्या वासियों ने मोदी जी योगी जी को दे दिए अवधेश प्रसाद के नाम के रूप में कि वो उनको हजम नहीं हो पा रहा है। पार्लियामेंट में ऐसी सीट पा गए, पहली मोदी जी दाएं देखते हैं तो अवधेश प्रसाद, योगी जी यहाँ देखते हैं तो एक और प्रसाद यहाँ भी बैठे हैं, वो प्रसाद इन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल धमाकेदार टक्कर होगी, इसके परिणाम बेहतर आने वाले हैं। ये फैसला ये जनता लेगी और भारतीय जनता पार्टी की उसी में होशियारी है, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो और चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, सबको मिला के सबको एक एक दो दो सीटें दे के तभी कामयाब का मुकाम हासिल। चर्चा चल रही है रालोद को एक सीट मिल रही है मीरापुर की, नहीं वो राष्ट्रीय लोकदल की निषाद पार्टी जो है वो मांग रही है लेकिन दी नहीं जा रही एनडीए की तरफ। नहीं देखिए निषाद समाज के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उनको भारतीय जनता पार्टी फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट तो दे सकती, दिल्ली का दे सकती है, लेकिन विधानसभा का टिकट नहीं देगी चुनाव का। ये जो है यहाँ पर विफलता और जो है ढिलाई होगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर अपने गठबंधन के साथियों को अगर नज़रअंदाज करेगी, अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया है तो अनुप्रिया पटेल जी को, संजय निषाद जी को और राष्ट्रीय लोकदल को और ओम प्रकाश राजभर को सबको मिला के एक एक सीट दे के दो दो सीटें दे के न टूट जाएगा क्या अगर टिकट नहीं मिला तो? मान ली निषाद पार्टी नाराज तो है, टिकट नहीं दिया जा रहा है उनको, तो क्या गठबंधन से अलग हो जाएगा? ओम प्रकाश राजभर के अलग हो जाएंगे, अनुप्रिया पटेल के अलग हो जाएंगे? बड़ा सवाल है। हाँ बड़ा सवाल है, हम आपको बता दें उपचुनाव जो है अनुप्रिया पटेल जी रामपुर लड़ी वहाँ जीती और सोनभद्र में रिंकी कौल जी लड़ी वो वहाँ जीती, तो अपना दल ने दो चुनाव तो उप जीते ही है और सबसे ज्यादा इसमें लोक दल का और अनुप्रिया पटेल का जो है भूमिका रहेगी। अगर अनुप्रिया पटेल को इन्होंने गठबंधन में नहीं सीट दी तो भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी अगर सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात हो रही है, सबके साथ सबके विकास की अगर बात हो रही है तो चारों लोगों को सीट एक एक दो दो देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कि 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम करती है। भाजपा का लक्ष्य है कि जो बूथ जीता वो विधानसभा जीता, तो हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास लेकर के माननीय योगी जी चल रहे हैं, मोदी जी चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 9 सीटों पे जीतना तय है। क्या सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने वाली है।
देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में 369 सीट पर लड़ी थी और 400 का दावा कर रही थी, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या कहना है जो 369 पर लड़े और 400 का दावा कर रहे, तो ये तो अपने आप में बड़ा अच्छा बेईमानी है। दूसरी बात हमें ये कहना चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया कि उत्तर प्रदेश में 47 सीटें हरा दी भाजपा को लोकसभा की, इससे ज़्यादा मेहनत और कोई कार्यकर्ता कर ही नहीं सकता है। और ये नेतृत्व का कमाल है कि उनके कार्यकर्ता इतनी मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, 24-24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन ड्रग कहाँ से आएगा, कौन भेजेगा, कहाँ उतरेगा, उतरने के बाद कहाँ जमा होगा, इसका पता नहीं होता हमारे प्रधानमंत्री जी को, NIA को पता नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक खेल है, ऐसी दुर्भाग्य बता रहे भारतीय जनता पार्टी से। पूछिए किस पार्टी में ये क्या है, किस पद में, किस पार्टी में, किस पद? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक नागरिक हूँ भारत का, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही, सपा से सवाल नहीं, कांग्रेस से नहीं उठा रहे हैं, भारत का नागरिक तो सबसे सवाल करेगा ना, इसकी सत्ता होगी उसी से सवाल करा जाए। कांग्रेस की सत्ता नहीं है और अन्य राज्यों में, उससे भी तो सवाल करना चाहिए। ये NIA के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो केंद्र के अंडर में आती है NIA। देखिए हार और जीत लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है, हार जीत लगी रहती है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, मायावती जी भी चुनाव हार गई हैं, ये कोई पैमाना नहीं होता है राजनीति में। आप क्या कह रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट इसलिए नहीं लड़ाई जा रही है, रोक लगा दी गई है क्योंकि अवधेश प्रसाद उनके गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं, अयोध्या में जो प्रसाद मिला है वो नीचे से नहीं उतर रहा है, ना निकल पा रहे ना उगल पा रहे भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का जनादेश है, सर्वमान्य है, जनता सर्वोपरि है, और हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे, जनता पे भरोसा है, जो हारता है वही जीतता है। निषाद नाराज है, संजय निषाद नाराज है, कह रहे हैं कि दो सीट चाहिए थी लेकिन उनको दो सीट मिल नहीं रही। देखिए जिसे राज चाहिए वो नाराज नहीं होगा, निषाद जी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के, अभी परसों ही गोरखपुर दशहरा में हम लोगों से मुलाकात गोरखनाथ मंदिर पे हुई थी, गए थे आशीर्वाद लेने। जिसको राज चाहिए वो नाराज नहीं होता, जो कुछ भी है निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के दम पर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुगरी लाल के हसीन सपने तो सभी को देखता है, जब लोकसभा में 37 सीट नहीं जीता पाए भाजपा कार्यकर्ता तो ये निकाय चुनाव क्या जीता पाएंगे, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, रोजगार नौजवानों को दे नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक करवाए दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। कौन नफरत फैला ये बता रहे हैं, इनको कहने दीजिए, ऐसा नहीं है कि अमन चैन काम लाशों के ऊपर राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। लाशों के ऊपर तो राजनीति समाजवादी पार्टी करती थी कि मुजफ्फरनगर में दंगा होता था, सेफई पे बाप बेटा बैठ करके नाच देखते थे। यहाँ कानून का राज है, जो भी गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून की सरकार है, न्याय की सरकार है। देखिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में लाशों के ऊपर राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां जो है उत्तर प्रदेश में लाशों की राजनीति किया। सबसे पहले जब मुलायम सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाने का आदेश राम भक्तों पर दिया था और उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपना कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, दोनों राजनीति करते हैं, लाशों पर किया है उन्होंने, हिंदुओं भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, राज लिया तो इन लोगों ने लिया। वही नृपेंद्र मिश्रा जब मुलायम सिंह के साथ थे तो गोली चलाने का आदेश देते हैं और ये जानते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को अपना कैबिनेट सेक्रेटरी बना लेते हैं। कहां का न्याय है भाई, कहां आरोप दोनों के ऊपर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबने लाशों के ऊपर राजनीति करी। ऐसा कुछ नहीं, देखिए नृपेंद्र मिश्रा के इसमें किसी का कोई दोष ना, जो भी नौकरशाह होता है चाहे अधिकारी कर्मचारी होता है वो सरकार के इशारे पे काम करता है, बिना सरकार के इशारे पे। नृपेंद्र मिश्रा जी ने गोली नहीं, वो स्वर्गीय नेताजी की देन थी जो वहाँ राम भक्तों पे गोलियाँ चलवाए, माननीय इसके लिए मुलायम सिंह जी जिम्मेदार थे और उन्होंने राम भक्तों पे गोलियाँ चलाई और हमेशा नेताजी ने मुसलमानों को आगे करके राजनीति किया। जब फायदा देने की बात आई तो उन्होंने यादव परिवार का फायदा दिया, वो भी एक परिवार सैफई परिवार का। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में चुनाव हो रहा था, बता दीजिए किसी गैर यादव को टिकट दिया हो, किसी मुसलमान को टिकट दिया हो। मुलायम सिंह यादव जी राज धर्म और संविधान की रक्षा के लिए वो काम किए थे, ये पूरे देश नहीं विश्व में प्रचलित है, सब लोग मानते हैं कि उन्होंने राज धर्म का जो है
प्रयोग किया था उस समय, अपनाया था राजधर्म। अटल जी कहा करते थे कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। आप वहाँ दंगा रोकने के लिए अगर उन्होंने गोली चलवाया तो कोई गलत नहीं किया, वो राजधर्म था। संविधान को बचाया, लोकतंत्र को बचाया, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है वो सारे लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये राम राज्य है, ये तो रावण राज से भी बदतर है। बड़ा बड़ी बात कह दी उन्होंने, रावण राज से भी बदतर बता दिया राम राज। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कभी समाजवाद और संविधान को नहीं माने, मार्त लोहिया जी का नाम लेके काम परिवार का किए हैं। लोहिया जी के परिवार में एक बता दिए, कोई पत्नी बेटा बेटी ब्लॉक प्रमुख प्रधान रहा हो, नेताजी के परिवार में कोई ऐसा बचा नहीं जो एमपी एमएलए प्रमुख और जिला पंचायत। दावा कर रहे हैं 9 सीट जो चुनाव के लिए डिक्लेयर हुई है, जिसपे तारीखों का ऐलान हो गया, कह रहे हैं 9 की 9 सीट जीतेगी और मिल्कीपुर का ऐलान हो जाएगा, मिल्कीपुर भी हम जीत लेंगे। ये मिल्की जो हर चुनाव का अलग अलग प्रदेश होता है, 24 का लोकसभा का चुनाव था उसका अलग प्रदेश है, ये उपचुनाव हो रहा है इसका अलग प्रदेश है। 9 सीट में लड़ाई है ना, 8 सपा पाएगी, 1 भाजपा जीती, 1 भाजपा को दे रहे हैं। किसका दबदबा है इस बार उपचुनाव में 10 सीटों पे? साइकिल आर के चौधरी। गठबंधन जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी परेशान हो गया, दुखी हो गया। भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी जो परेशान है, क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं दिया गरीबों को, परेशानों को पैसा नहीं दिया, हर घर में एक आदमी परेशान है, कहीं परेशानी। हमारे 10 साल पहले 10,000 रुपये तनख्वाह थी, हमारी 10 साल पहले ड्राइवरी में 10,000 तनख्वाह थी और आज भी 10,000 रुपये तनख्वाह है। किसी ड्राइवर का रोजगार नहीं बना, लाखों ड्राइवर रोड पर आ गए, चक्का जाम कर दिया पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन अभी तक कोई नया कानून नहीं बना ड्राइवरों के लिए। 9 सीटों का है सब अपना काम। भाई देखिए, इसमें 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 पीडीए का भी अपना चलेगा, भाजपा भी अपना जो उसकी लाइन है उस लाइन पे काम कर ही रही है भाजपा, समझ रहे? तो अपना इलेक्शन होगा, जनता देखेगी सारी चीज़ें, लेकिन पीडीए और भाजपा का जो अपना है लाइन, वो जैसे बहराइच में आपने देखा, अब बहराइच में एक चीज़ निकल के आएगी, जो लड़का मारा गया उसका अगर देखा जाए परिवेश बड़ा गरीब परिवार का था, और ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं उनको उनको यूज़ करा गया आपको कोई भी जल, हाँ चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू कोई भी हो, ऐसे लोगों को ले जाते हैं जुलूस में, तरह तरह के नारे लगवाना या किसी घर पे चढ़ जाना है, चढ़वा देना, ये तरीका नहीं। भाई उसकी तो जान चली गई, उसका परिवार भी ठीक है, आप मकान पैसे दे दिए, लेकिन वो चीज़ जो है कुल सही नहीं है। आप रैली या जो भी चीज़ निकालिए, लेकिन किसी के घर पर जाके झंडा उतारना, चाहे हिंदू के घर हो या मुस्लिम का घर हो, चाहे उस पे भाई कोई भी, चाहे हरा झंडा लगा हो या भगवा झंडा लगा हो, इसी बात जिम्मेदार कौन है बहराइच? प्रशासन 100%। इसमें वहाँ के डीएमएसपी पे मुकदमा होना चाहिए, हम वहाँ का जो डीएमएसपी है उन पे मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का आर्डर है कि डीजे का जो है वो नहीं होना चाहिए परमिशन, बाकी बाकायदा उसका कंप्लेंट नंबर दिया जाना चाहिए। वहाँ डीजे चल रहे हैं और उसमें गाने चल रहे हैं या पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, भाई आप रिलीजियस चीज़ें करें, पॉलिटिकल नारे उस पर कैसे लग रहे हैं, सामाजिक नारे कैसे लग रहे हैं? तो वहाँ हमारा है कि जो भी है बहराइच के डीएम और एसपी पे मुकदमा होना चाहिए। ठीक है, देखिए लखनऊ की जनता से हम ये जानने आए थे कि 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट पे चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, और अब जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जनता उसको कैसे देखती है और किसका दबदबा जो है उन 9 सीटों पे कायम है?